गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 3.3। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 3.3, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट रूल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज 3.3। हियर दिस चैप्टर एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज 3.3 इज टोटली बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी। द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5 एंड so on. So now we check the divisibility rule one by one. Now first start karte hum divisibility rule by 2. So here we see that the divisibility by 2, the number which is divisible by 2, if the unit place digit, yeah, you can say once place digit is 0, 2, 4, 6, 8. Agar koi aisa number ho, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे जितने डिजिट का नंबर हो, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ऐसा नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर क्यों ना हो। यहाँ पे हमने देखे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 3, if the sum of digits is the number is divisible by 3, then the number will be divisible by, यानी जो नंबर दिया हुआ है इन नंबर्स के सभी डिजिट को प्लस करिए, और अगर ये डिजिट डिविजिबल बाई 3 हो रहे हैं तो वो नंबर पूरा डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे यहाँ देखिए ये जो नंबर है कितना लिखा है 723, तो आप देखिए 7 + 2 + 3, 7 + 2 9, और 9 और 3 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए जो 723 है वो टोटल 3 से डिविजिबल है। हम सेकंड नंबर पे आते हैं, आप इन चारों को प्लस करिए इंडिविजुअल, तो 2 + 5 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 4 = 15, एंड ये जो नंबर हो रहा है टोटल ऐड करने पे इन चारों डिजिट को, ये हो रहा है 15, और आपको पता है 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यही डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है उन नंबर को इंडिविजुअल अलग अलग आप ऐड कर दीजिए, अगर ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है उनको आप प्लस करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हैं तो टोटल नंबर जो दिया होता है वो डिविजिबल बाई 3 होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई फोर इफ़ द नंबर फॉर्म बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 4। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी 100, जैसे यहाँ पे देखिए ये 6024 है, तो लास्ट का जो डिजिट है कितना 24, तो ये जो डिजिट है ये देखिए आप 24, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं, 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो दिया हुआ है 6024 पूरा 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 00 है, तो 0 तो 2, 4 से डिवाइड हो ही जाता है 0 टाइम्स, तो ये भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ देखिए 52 है, तो 52 भी लास्ट का 2D 52, ये भी 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी नंबर डिविजिबल बाई 4 है। तो इस तरीके से जितना भी बड़ा नंबर हो आप डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक कर सकते हैं, उसके लास्ट 2 डिजिट को चेक करके अगर वो डिविजिबल बाई 4 है तो सब डिजिट हो जाएंगे। अगला आते हैं डिविजिबल बाई 5, एंड नंबर डिविजिबल बाई 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट आइदर 0 और 5। अगर किसी भी कोई भी कितना बड़ा नंबर, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। देखिए यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये ऐसे नंबर क्या होंगे, वो 5 से डिविजिबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको हर क्लास में आपको 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज़ इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज मैं डिविजिबिलिटी बाई 5 तक बताता हूँ आपको, आप इतना प्रिपेयर करिए, इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इसको तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की तरफ बताऊँगा। थैंक यू।